सिलेबस हमारा सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक है, चुनो और भेद बताओ, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, तीनों। इससे पहले कि मैं आपको चुनो और भेद बताओ की एक्सरसाइज कराऊं, उससे पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों पर एक एक नजर मार लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज करवाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है चीजें रिकॉल करनी पड़ती हैं, भूल जाती हैं हमें, ठीक है। तो इसमें आप इन्वॉल्व हो। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले रेज योर हैंड, नहीं, ठीक है, रफ कॉपी में करोगे आप, छोटे बच्चे, आप जब फिफ्थ क्लास में थे तब से ये संज्ञा जो है आपको करवाई गई है, सिक्स सेवंथ फिफ्थ में संज्ञा शुरू होती है, सिक्स में सर्वनाम और विशेषण आप पूरे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको आते हैं, सिर्फ रिकॉल करेंगे और इसमें मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, राइट। चलिए जी, संज्ञा किसे कहते हैं, कौन बताएगा, वेरी गुड, हाँ बेटा बोलो, बिल्कुल ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने तरह की है, पांच, कौन कौन सी, पहले है व्यक्तिवाचक, बहुत बढ़िया, निजवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम होते हैं, बस आप नहीं बोलोगे, सुन गया मुझे, व्यक्तिवाचक, रेज योर हैंड, व्यक्तिवाचक, हाँ बेटा बोलो, व्यक्तिवाचक जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, जैसे आप सभी का नाम हो गया, ठीक है, ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में स्थान का नाम हो गया, जालंधर हो गया, पंजाब हो गया, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में, और जैसे गंगा है, हिमालय है, गीता है, ये सब चीजें व्यक्तिवाचक में, हम विशेष वस्तु, व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम जब होता है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक कौन बताएगा, हाँ बेटा बोलो, विशेष व्यक्तिवाचक में होता है, मैं हाँ ना करते हूं, जातिवाचक जिन शब्दों द्वारा एक संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाता है। अब कैसे, जैसे हमने एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक नाम दे रखा है, इस क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, अगर मैं कहूं लड़कियां कौन सी हैं और लड़के कौन से हैं, हम फिजिकल अपीयरेंस से पता कर लेते हैं कि ये सब लड़कियां हैं और ये सब लड़के हैं, नाम आपके अलग अलग हैं लेकिन बेसिक आपको क्या कहा जाएगा, लड़कियां, आपके भी नाम अलग अलग हैं तो बेसिक आपको हम क्या कहेंगे, लड़के। तो लड़के और लड़कियां क्या है, इन पूरी जाति का बोध कराते हैं, ठीक। इसी तरह अगर ये कहा जाए ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, तो चाहे ये ग्रीन कलर का है, चाहे ब्लैक कलर का है, चाहे व्हाइट है, अगर कोई हमसे पूछे ये क्या है तो हम क्या कहेंगे, ब्लैक बोर्ड। इट मींस कि इसकी, इसका एक पर्टिकुलर नाम इस चीज का हमने दे रखा है ना, संपूर्ण जाति का बोध। इसी तरह अगर बाहर इतने सारे पेड़ है, मैं कहूं ये क्या है, आप कहेंगे वृक्ष है या पेड़ है, ठीक है। और पेड़ कई तरह के होते हैं, सेब का, नीम का, बरगद का, पीपल का, ठीक। तो वो जब मैं कहूं पीपल तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में, जब मैं कहूं पेड़ तो वो होगा जातिवाचक। इसी तरह अगर मैं कहूं गंगा तो वो है व्यक्तिवाचक, अगर मैं कहूं नदी तो वो है जातिवाचक, अगर मैं कहूं हिमालय तो है व्यक्तिवाचक, और अगर मैं कहूं पहाड़ तो वो है जातिवाचक। गॉट इट। जब हम किसी एक संपूर्ण जाति को एक नाम देते हैं, बोथ ऑफ यू स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम माय क्लास।
मेरी किसी से पर्सनल यहाँ दुश्मनी नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने आपको ही खड़ा कर, जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है मैं उन्हीं को बोलूंगी। व्यक्तिवाचक जातिवाचक आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं भाववाचक की। भाववाचक क्या होते हैं कौन बताएगा? हाँ बेटा हर्षिया बोलो। भाव इमोशंस, ठीक है, हमारे इमोशंस, खुशी, दुख, गम, ईमानदारी, बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। इसमें हमारे जीवन के फ्रेजेस भी आते हैं, कौन से? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारे, ठीक है। दशाएं भी आती हैं, ईमानदारी और सुखी, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? भाववाचक संज्ञा में। ऐसी चीजें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ठीक। उसके बाद द्रव्यवाचक। द्रव्य क्या होते हैं? लिक्विड्स आप जिसको बोलते हैं। आप बेटा बोलो। बैठिए। नहीं, द्रव्यवाचक में सारी लिक्विड चीजें आती हैं, ठीक है, और मेटल्स आते हैं। लिक्विड में क्या हो सकता है? दूध, पानी, घी, तेल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक में। और बाकी सारी धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? लोहा, ये आएंगी द्रव्यवाचक। अब आइए समूहवाचक। समूह जब हम, आपने किया होगा कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन तो आपने किया ही है। जब हम झुंड की बात करते हैं, ग्रुप पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो वो सारे क्या होते हैं? समूहवाचक में आएंगे। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं, पलटन, फौज, टुकड़ी, दल, समूह, कक्षा, मेला और झुंड, टोली, ये सब शब्द जो हैं वो किस में आएंगे? समूहवाचक। क्लियर संज्ञा। अब आइए सर्वनाम पे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जल्दी से? कौन है ये? सर्वनाम पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, देन प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। हाँ जी, पुरुषवाचक कौन बताएगा? हाँ बेटा बोलो। पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए। हाँ वैसे कैसे होता है? जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और जिसकी बात हो रही है। हाँ राइट, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है या जिसकी बात हम कर रहे हैं आउटर साइड, तो वो तीनों चीजें किस में आएंगी? पुरुषवाचक में। पता है ना, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूं तो मैं किस में आएगा? पुरुषवाचक में। आप सुन रहे हैं या तुम सुन रहे हो, तुम क्या है? पुरुषवाचक। हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, वह जा रही है, वो जा रहा है बाहर से कोई, तो यहाँ पे वह जो होगा वो क्या होगा? पुरुषवाचक, ठीक। कहने वाला, सुनने वाला और जिसकी बात हो रही है,
वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैं का हम, हमें, हमारा, इसके आगे एक्सटेंड ले लो, तुम का, आप, तुम्हारा, तुम्हें, ये सब एक्सटेंड जो होंगे वो सारे क्या होंगे? वह, वे, ये सारे किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, वो किस लिए? जब मैं आपको कहती हूं वह, पुरुषवाचक में आता है वह और यह, तो निश्चयवाचक में भी वह और यह आ सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वह बाजार जाता है, ये होगा पुरुषवाचक। निश्चयवाचक में जब हम निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा था विशेषण में कि हम संकेत करते हैं, जब निश्चित तौर पर हम किसी बात को कहते हैं, यह मेरा बैग है, ठीक है, यह मेरा फिक्स, कि मैं इसी की बात कर रही हूं, वह मेरा भाई है, ठीक है, यह वह निश्चित तौर पर, तो उसमें क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम का की पॉइंट क्या होता है? जब दो सर्वनाम एक साथ लगे हों, जैसे वह मेरा बैग है, वह और मेरा दोनों ही सर्वनाम है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। वह तुम्हारा भाई है, तुम्हारा और यह है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां दो सर्वनाम एक साथ लगे हों। क्लियर? देन आइए अनिश्चयवाचक। जब हम किसी चीज के बारे में निश्चित तौर पर नहीं बता सकते तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक। बाहर कोई है, कटोरी में कुछ था, दरवाजे पर कौन है, क्या है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? अनिश्चयवाचक। ठीक, बाहर कोई आया है, दाल में कुछ पड़ गया, कुछ और कोई, किसने फूल तोड़े, किसने, किसी ने फूल तोड़ लिए, किसी ने, ठीक, तो ये सब किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक। किसकी कमेंट्री चल रही? देन प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में केवल वही शब्द प्रश्न के होंगे जिसका उत्तर संज्ञा में होगा। पहली बात, पिताजी क्या लाए? पिताजी आम लाए। आम क्या है? संज्ञा है। जिसका वही प्रश्नवाचक होगा जिसका उत्तर जो है वो संज्ञा में मिलेगा। पिताजी क्या लाए? बाहर कौन है? बाहर राहुल है। कौन, क्या, ये किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में। लेकिन अगर इनका उत्तर संज्ञा में नहीं मिलता है तो वो प्रश्नवाचक में नहीं आएंगे, ठीक है। किसने फूल तोड़े? राधा ने फूल तोड़े। तो क्या, आप कहां जा रहे हैं? कहां, हम जालंधर जा रहे हैं, तो इसका उत्तर भी, जिन जिन प्रश्नों का उत्तर संज्ञा में होगा केवल वही प्रश्नवाचक शब्द होंगे। क्लियर? देन आइए संबंधवाचक। ऐसे शब्द जो बाकी अन्य शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का आपस में संबंध जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक। इसमें जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो आएंगे। जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो वो, जो सो, तब, तभी, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तब ही क्या होगा? संबंधवाचक। देन लास्ट है निजवाचक। इसमें सिर्फ तीन शब्द आते हैं, जहां ये तीन शब्द लिखे हैं उनको अंडरलाइन करो। और निजवाचक एक पहला है स्वयं, दूसरा अपने आप, तीसरा खुद ही। क्लियर? पुरंजय इधर आ। निजवाचक समझा इनको, आ जा इधर आ।
बोलो, अभी तो बड़ी जुबान चल रही थी। जाइए, लगातार हमारा बोलना इसलिए नहीं होता कि हम अपने लिए बोलते चले जा रहे हैं। लेक्चर चल रहा है तो हम आपके लिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। निजवाचक इसमें केवल तीन शब्द आएंगे, खुद ही, अपने आप और स्वयं। ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप ये कार्य कर लूंगा, मैं खुद ही देख लूंगा, राइट। चलिए जी, ये हो गया। अब आइए विशेषण पर। क्या निश्चयवाचक? जब हम निश्चित तौर पर किसी चीज के बारे में डिफाइन करते हैं, यह मेरा बैग है, वह तेरा भाई है, ठीक है, इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं जहां दो सर्वनाम एक साथ लगते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आ गया ये विशेषण। चलिए जी, विशेषण के भेद बताइए। गिनती पंजाबी में होता है, जब आप पेपर में भी गिनती वाचक लिख देते हैं तो जीरो नंबर मिलता है, संख्या वाचक होता है। सार्वनामे की असंकेतिक विशेषण। चलिए जी, गुणवाचक कौन बताएगा? रेज योर हैंड। गुणवाचक विशेषण, हाँ जी बोलो बोलो। और सिर्फ गुण के बारे में, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप आकार गुण दोष दशा दिशा के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। अब रंग रूप आकार कैसे? वो नीला कपड़ा है, रंग आ गया। रूप वो सुंदर लड़की है, आकार वो लंबा लड़का है। रंग रूप आकार गुण दोष, वो ईमानदार है गुण, वो बेईमान है, वो झूठा है दोष। ठीक, दशा वो अच्छे हालात में है या वो अमीर है, ये उसकी दशा है। ठीक है, रंग रूप आकार गुण दोष दशा दिशा, याद रखें ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण। वे सुंदर लड़की है, वो लंबा लड़का है, ये नीला कपड़ा है, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन बताएगा? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे दो लड़के, तीन संतरे, चार अंडे, इस तरह। अब इसमें भी आगे दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या आएगा? जब हम पर्टिकुलर काउंटिंग देंगे, ठीक है, तीन लड़कियां, टोकरी में चार आलू पड़े थे, थैले में दो किताबें हैं, इस तरह। ठीक है, जहां हम गिनती प्रॉपर बता रहे हैं। अगर मैं कहूं अलमारी में कुछ साड़ियां थी, मेज पर थोड़ी सी किताबें थी, ठीक है, थोड़ी और कुछ, ये किस में आएंगी? संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। आपने सीधा संख्यावाचक ही लिखना है, क्योंकि निश्चित अनिश्चित हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक है, आप निश्चित अनिश्चित नहीं लिखेंगे, आप संख्यावाचक ही लिखेंगे। निश्चित अनिश्चित सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब आइए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल संबंधी सारी बातें होती हैं, जैसे किलोज, मीटर, लीटर्स, मिलीलीटर, ये सारी ठीक है। बाजार से 2 किलो आलू ले आओ तो 2 किलो क्या होंगे? परिमाणवाचक। डिब्बे में 3 लीटर दूध पड़ा है, परिमाणवाचक। मेरी कमीज को 2 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 मीटर, परिमाणवाचक ठीक है। और अगर मैं कहूं डिब्बे में थोड़ी सी दाल पड़ी है, कैसे संख्यावाचक? वो तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। निश्चित अनिश्चित दोनों होंगे। अब थोड़ी और कुछ दोनों ही शब्द अनिश्चित में आते हैं तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये संख्यावाचक है और ये परिमाणवाचक? हाँ बेटा बताओ। हाँ नहीं मुझे नहीं पता, हाथ ही रेस किया, पर मैं बोल तो रही हूं ना, बोलो मैंने क्या बोला। आगे जिन चीजों को गिना जा सकता है उनको हम क्या कर सकते हैं? कुछ और थोड़ी। और जिनको गिना नहीं जा सकता, कुछ चावल, परिमाणवाचक। कुछ किताबें, संख्यावाचक। थोड़ा घी, थोड़ी रोटियां, क्लियर? जब वो चीजें जो काउंटेबल नहीं है वो परिमाणवाचक आएंगी, और दूसरा जिनके बारे में हम श्योरिटी जान रहे हैं उन्हीं नाप तोल में ही आते हैं। वो सब चाहे अनिश्चित तौर पर वो कुछ लिखा हो या थोड़ा लिखा हो, वो परिमाण है। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं कुछ और थोड़ा से लिखा हो तो जो काउंटेबल चीजें हैं वो संख्यावाचक में आएंगी ठीक है। और भेद हमेशा दोनों के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक ठीक। जब आपको पेपर में आए आपको निश्चित अनिश्चित लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल संख्यावाचक और परिमाणवाचक ही लिखें ठीक है। निश्चित अनिश्चित सिर्फ आपको समझाने के लिए। लास्ट सर्वनामे की सांकेतिक करना। मेरा घर तो निश्चित तौर पर निश्चय सर्वनाम होगा, वो विशेषण में आ ही नहीं सकता। अभी क्लियर करते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संकेतिक विशेषण वो है जब हम किसी चीज की तौर पर इशारा करते हैं या निश्चित तौर पर हम उसे बताते हैं, यह राधा का बैग है। यह यहाँ पे संज्ञा सार्वनामिक विशेषण हम क्यों कहते हैं? संज्ञा के आगे सार्वनाम होता है ठीक। अब एक और चीज, Thank you.
कमाल हो गई।